जिला राजगढ़ के लिंबोदा क्षेत्र में कई ऐसे गरीब रहते हैं जिन्हें आज तक योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ दिन पहले राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने आवास योजना में किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचारी ना हो और पंचायत कर्मियों द्वारा हितग्राहियों के नाम ऊपर नीचे ना किए जाए, इसको लेकर सभी पंचायत भवनों पर नाम लिखने के निर्देश दिए थे। इस पर पंचायत में नाम तो लिखे गए, लेकिन किसको पहले मिलना चाहिए इसका नियम पंचायत भवनों के इन सूची में दिखाई नहीं दे रहा है। कब से आपको ये आवास का लाभ नहीं मिला? कहीं नहीं मिला साहब, 20-25 साल हो गया साहब। इसी झोपड़ी में रहते हो? नहीं, झोपड़ी में रह रही हो। तो आपके जो बच्चा वगैरह, मतलब जो बेटा है, कहाँ है बेटा? वो तो मर गया साहब, चढ़ गया था। तो कोई भी नहीं संतान? नहीं साहब, बच्चा है दो। अच्छा, वो ससुराल चली गई? हाँ। और ये अम्मा जी, ये आप भी यहीं रहते हो? हाँ। तो आवास का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। विकसित भारत की संकल्प यात्रा, तमाम तरह के अभियान में ये गुहार लगा चुके हैं, जन सुनवाई में जा चुके हैं। सीएम हेल्पलाइन पर इन्हें कंप्लेन की कि मुझे आवास मिले, लेकिन आज तक इन्हें लाभ नहीं मिला। भैया आपका सबसे पहले तो नाम बता दें। जगदीश प्रसाद गौड़। जगदीश भैया जी, क्या काम करते हैं आप, जोर से बताएं। कहीं भी नहीं करूँ, तो नवरो बिटे एक जगह कहीं काम हो, वहां से इतलांग है, बिल्कुल एक जगह बैठी। अच्छा, इसके लिए आपने जो पंचायत के कर्मचारी है या जनपद जिला में बात की इसके लिए? जनपद कलेक्ट्रेट में मैंने शिकायत की, कागज लिख के दिया, जिसके बाद में 2018 के बाद में जिला पंचायत में गया, वहाँ कागज लिखवाया, जिसके बाद में 2018 के बाद में फिर डबल कलेक्ट्रेट में आदेश कागज दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद हेल्पलाइन शिकायत की, उस वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। पर अब आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मेरे ये दो बार सूची आ चुकी थी, उसके बाद भी नाम उड़ा दिया गया, क्यों क्यों नहीं, किस लिए नहीं जोड़ी मेरे नाम, इसलिए मुझे किसी भी तरीके से मेरे को लाभ चाहिए। इनके ही जैसे अनेक पात्रता रखने वाले हितग्राही क्षेत्र में आवास का इंतजार कर रहे हैं। जिनके किसी भी एंगल से पात्रता संबंधित जांच की जाए तो हर नियम से ये योजना में लाभ की पात्रता रखते हैं। अब देखना होगा कि जिम्मेदार कुछ उचित कार्रवाई करते हैं या नहीं। मृदुभाषी प्रदेश के लिए रामबाबू गौड़ की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।